क्लास थर्ड सब्जेक्ट मोरल साइंस चैप्टर सेकेंड अ ग्लास ऑफ मिल्क हेल्पफुलनेस. ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग अ यंग बॉय वॉज सेलिंग गुड्स फ्रॉम डोर टू डोर. ठंडी का समय था, कोल्ड विंटर मॉर्निंग, ठंडी का मॉर्निंग का टाइम था. अ यंग बॉय वॉज सेलिंग गुड्स फ्रॉम डोर टू डोर. एक यंग मैन था, एक यंग बॉय था जो डोर टू डोर दरवाजे दरवाजे गुड्स कुछ सामान क्या कर रहा था, बेच रहा था. टू पे फॉर हिज स्कूल फीस. और वो इसलिए सेलिंग कर रहा था, इसलिए बेच रहा था क्योंकि ताकि वो अपना स्कूल का फी पे कर सके. एक बॉय था, यंग बॉय, ही वॉज हंग्री और वो भूखा था. बट वेन ही चेक्ड हिज पॉकेट, बट जब उसने अपना पॉकेट चेक किया, ही सॉ दैट ही हैड ओनली वन डाइम लेफ्ट. जब उसने अपना चेक किया तो उसके पास केवल वन डाइम थे. जैसे हम लोगों के पास होता है ना 1 रुपए, तो ऐसे ही वहाँ का उसके पास वन डाइम थे. देन ही डेडिकेटेड दैट ही वुड आस्क फॉर अ मील एट द नेक्स्ट हाउस. उसने डिसाइड किया कि जब मैं नेक्स्ट हाउस में ये डोर टू डोर मतलब दरवाजे दरवाजे जाके घर घर जाके बेच रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि जब मैं अगले घर पहुँचूँगा तो मील के लिए कुछ खाने के लिए पूछूँगा कि क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा. वेन ही रीच द नेक्स्ट डोर, जब वो नेक्स्ट डोर पहुँचा, अगले घर में पहुँचा सेलिंग के लिए, अ यंग ब्यूटीफुल वुमेन ओपन द डोर. एक बहुत सुंदर सी औरत थी जो जिसने डोर ओपन किया. इन स्ट्रीट ऑफ आस्किंग फॉर अ मील, और उसने उनसे तुरंत मील के लिए पूछा. किसने पूछा, बॉय ने. ही ओनली डेयर टू आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर. उसने केवल किसके लिए पूछा था कि क्या मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा. सी लुक्ड एट हिम एंड अंडरस्टूड. सी लुक्ड एट हिम, वुमेन ने उस बच्चे को, उस बॉय को देखा. एंड अंडरस्टूड, और वो समझ गई दैट द बॉय वॉज हंग्री. वो ये समझ गई थी कि ये बॉय बहुत हंग्री है, बहुत भूखा है. सो सी ब्रॉट हिम अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क, और वो एक पूरा बड़ा ग्लास भर के, एक लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध भर के लाई. द बॉय ड्रैंक इट और स्लोली एंड देन आस्क, बॉय ने उसको स्लोली स्लोली पी लिया दूध को. एंड आस्क, और पूछा, हाउ मच डू आई ओन यू. द वुमेन रिप्लाई, यू डोंट ओन मी एनीथिंग. उसने पूछा कि मैं आपको क्या दूँ, बट वुमेन रिप्लाई की कि उसे कुछ नहीं चाहिए. मदर टॉट अस, मेरी माँ जो वुमेन थी उसने बोला कि मदर टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट पे फॉर काइंडनेस. मैंने आप पे एक दया दिखाई, आप भूखे थे, मैंने आपको एक ग्लास दूध दिया. मेरी माँ ने सिखाया है कि अगर हम किसी पे काइंडनेस करते हैं, किसी पे दया दिखाते हैं, तो उसका हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, किसी की भी मदद कर देनी चाहिए. देन आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. मैं आपको अपने हृदय से थैंक यू बोल रहा हूँ, बॉय ने ऐसा बोला. ही सैड, बॉय ने ऐसा बोला. नाउ द बॉय फेल्ट फिजिकली स्ट्रॉन्गर एंड हिज फेथ इन गॉड ऑल्सो ग्रू. और बॉय फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो गया और भगवान को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बहुत बोला. द बॉयज नेम वॉज हॉवर्ड केली. उस बॉय का नाम क्या था, हॉवर्ड केली. मैनी ईयर्स पास्ड बाय. वन डे दैट वुमेन बिकम सीरियसली इल. बहुत समय बीत गया, वो जो वुमेन, जो उस बॉय को, यंग बॉय को जिसने दूध पिलाया था, वो क्या हुई, बिकम सीरियसली इल, बहुत सीरियस बीमार पड़ गई. लोकल डॉक्टर कुड नॉट हेल्प हर. जो लोकल डॉक्टर थे, जो नॉर्मल डॉक्टर थे, वो उसकी हेल्प
नहीं कर सकते थे. देयरफोर दे सेंड हर टू अ बिग सिटी, और उसके इलाज के लिए उसको कहाँ, एक बड़े शहर में भेजा गया, वेयर हर डिसीज कुड बी स्टडीज बाय स्पेशलिस्ट, जहाँ उसके प्रॉब्लम के बारे में, जो उसको डिसीज थे, जिसको बीमारियाँ था उसको बीमारियाँ थी उसके बारे में कोई स्पेशल डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से स्टडी किया जा सके कि आखिर में हुआ क्या है. डॉक्टर हॉवर्ड केली वॉज कॉल्ड इन फॉर कंसल्टेशन. डॉक्टर हॉवर्ड केली कॉल्ड इन फॉर कंसल्टेशन, सॉरी, डॉक्टर हॉवर्ड केली वॉज कॉल्ड इन फॉर कॉन्सलेशन. अब यहाँ पे डॉक्टर हॉवर्ड केली आते हैं उनके कॉन्सलेशन के लिए. व्हेन ही एंटर्ड हर रूम इन द हॉस्पिटल, जैसे ही डॉक्टर हॉवर्ड केली रूम में इंटर करते हैं, हॉस्पिटल के रूम में एंटर करते हैं, ही क्विकली रिकोनाइज द वुमेन, वो उस वुमेन के तुरंत रिकोनाइज कर लेते हैं. हु हैड हेल्प हिम व्हेन ही वॉज पुअर एंड हैंग्री एज अ यंग बॉय. ये वही वो उस समय हॉवर्ड केली जो डॉक्टर होते हैं वो उनको तुरंत रिकोनाइज हो जाता है, तुरंत वो पहचान जाते हैं और उन वो ये बात याद कर उनको ही क्विक रिकोनाइज और तुरंत पहचान जाते हैं द वुमेन हु हैड हेल्प. ये वही वुमेन है जब मैं पुअर था और भूखा था और इसने मुझे इस लेडी ने मुझे मिल्क दिया था, दूध दिया था, ऐसा उसने वो पहचान लेता है. कौन? डॉक्टर हॉवर्ड केली. और वो डॉक्टर हॉवर्ड केली कौन होता है? वो डॉक्टर हॉवर्ड केली जो होता है वो वही यंग बॉय होता है जो डोर टू डोर क्या करता है, गुड्स सेल करता है, सामान बेचता रहता है. और इस समय वो क्या हो गया रहता है? डॉक्टर. और जैसे ही वो लेडी को देखता है जो उसने दूध उसको एक गिलास दूध दी रहती है, उसको देख के तुरंत वो पहचान जाता है. As a young boy, the doctor decided to do his best to help her recover from disease. और डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इनके रिकवर के लिए अच्छे से हम लोगों को हेल्प करनी है. द स्ट्रगल वॉज अ लॉन्ग वन आउट टूगेदर दे मैनेज टू ओवरकम हर इलनेस. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद, बहुत टाइम के बाद दे मैनेज टू ओवरकम हर इलनेस, और वो उनके इलनेस को, उनकी बीमारी को ख़त्म कर पाते हैं. द फाइनल व्हील ऑफ हर ट्रीटमेंट वर प्रिपेयर्ड. डॉक्टर केली रिक्वेस्टेड द बैक ऑफिस टू पास द फाइनल बिल टू हिज फॉर अप्रूवल. द फाइनल बिल ऑफ हर ट्रीटमेंट वर प्रिपेयर. अब उस लेडी का, जो वुमेन थी, उसका ट्रीटमेंट का पूरा फाइनल बिल आ गया था कि कितना पूरा लगा उनके ट्रीटमेंट में, उतना उनके पूरे दवा में जब से वो बीमार थी कितना पैसा लगा. डॉक्टर केली रिक्वेस्टेड द बैक ऑफिस टू पास द फाइनल बिल टू हिज फॉर अप्रूवल. और इस जो वो बिल आया था, डॉक्टर केली ने उसको अप्रूवल करवा लिया था. After some time, the woman received the bill for the treatment. जब बहुत समय के बाद जब उस बिल को उस वुमेन ने जब रिसीव किया, जब उस वुमेन को वो बिल लिस्ट मिली, सी वॉज वरीड. वो बहुत चिंतित थी. इसलिए वो चिंतित थी क्योंकि उसको लग रहा था कि इतने टाइम से मेरा जो ये ट्रीटमेंट चल रहा है, जो मेरा इलाज चल रहा है, इसका बहुत ज़्यादा बिल आया होगा. That the amount to be paid would be so large that it would take the rest for her life to pay for it. But उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा और वो कैसे पूरा उसको इसको पे करने में पूरी लाइफ लग जाएगी. फाइनली हुआ क्या? When the woman look at the bill, जब वुमेन ने उस बिल पे देखा, she noticed the word written on the side of it. जैसे ही उसने उस बिल पे देखा, उस बिल पे एक वर्ड रिटन था. द वर्ड वर, वो वर्ड क्या था? वर्ड उस बिल पे वर्ड लिखा हुआ था, पेड इन फुल विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क साइंड डॉक्टर हॉवर्ड केली. उस पे लिखा था कि आपका बिल फुल
विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, पेड इन फुल, आपका पूरा बिल फुल हो गया विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास जो आपने मुझे कभी दूध पिलाया था उससे आपका ये पूरा बिल फिल हो गया। साइन डॉक्टर हावर्ड केली, और उस पर किसका साइन था, डॉक्टर हावर्ड केली के उस पर साइन थे। इस चैप्टर में इस पूरे चैप्टर में है कि एक लेडी होती है और वो एक लेडी एक बॉय होता है, वो यंग बॉय होता है, उसको फी पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो डोर टू डोर दरवाजे दरवाजे जाके कुछ कुछ बेचता है। तो एक लेडी होती है उसको बहुत भूख एक जो बॉय होता है उसको बहुत भूख लगी होती है, बहुत प्यास लगी होती है, तो वो एक रूम में नेक्स्ट सोचता है नेक्स्ट घर में जाएंगे तो पानी के लिए पूछ। जैसे ही वो पानी के लिए पूछता है, एक लेडी आती है, देखती है बच्चा बहुत छोटा है और भूखा भी है, तो वो क्या करती है, एक ग्लास दूध लेके आती है और उसको दे देती है। बहुत टाइम बीतता है, फिर वो लेडी एक बार बीमार पड़ जाती है, और जब बीमार होती है तो बहुत नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं वो जवाब दे देते हैं कि नहीं इन मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर स्पेशल डॉक्टर को रेफ़र किया जाता है, और जब वो स्पेशल डॉक्टर के पास जाती है तो ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट के बाद जब उसका ट्रीटमेंट चलता है लेडी का, तो उसको बहुत ट्रीटमेंट के बाद जब वो ठीक हो जाती है तो उसको बहुत इस बात का टेंशन हो जाता है, इस बात का बहुत चिंता हो जाती है कि बिल तो बहुत ज़्यादा होगा, अब पूरे मुझे लाइफ लग जाएगी इस बिल को पे करने में। बट जो डॉक्टर हावर्ड केली होता है वो वही बॉय होता है जिसको उसने एक ग्लास मिल्क पिया, क्योंकि वो अपना फी स्कूल का फी पे करने के लिए क्या करता है, डोर टू डोर बेचता रहता है, और ऐसे वो डोर टू बेच बेच के अपना स्कूल का फी पे कर करके एक ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुका होता है उस टाइम कि उसके फिर उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुका होता है कि जब वो उससे मिलता है, जब वो एज ए डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, फिर उसके बाद जब बिल आती है वो बहुत वरीड रहती है, तो फिर उस पर पीछे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, पेड इन फुल, फुल पेड हो गया आपका बिल, किससे, विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, आपने जो मुझे कभी एक ग्लास मिल्क पिलाया था, एक ग्लास मिल्क से आपका पूरा बिल क्या हुआ, पेड हो गया। तो एक हेल्पफुलनेस, एक काइंडनेस होनी चाहिए हमारी लाइफ में। और हाँ, उसने कैसे स्ट्रगल किया था, डोर टू डोर घर घर जाके कुछ बेच बेच के उसने अपने स्कूल का फी पे किया था, और वो आज इतना बड़ा डॉक्टर बन चुका था। सो इफ वी डू अ हार्ड वर्क, इट्स नॉट अ हेल्पफुलनेस, हेल्पफुलनेस एंड हार्ड वर्क बोथ आर वी कैन स्टडी इन दिस चैप्टर। तो हम भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में, एंड अगर इसने हेल्प की थी, इसको कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ उसका, इसने एक ग्लास केवल एक काइंडनेस, एक दयालुता दिखा के, एक दयालुपन दिखा के, काइंडनेस दिखा के एक ग्लास मिल्क पिलाया था, और एट द लास्ट जब ये बीमार पड़ती है तो इसको पूरी फी, इसकी पूरी बिल पेड हो जाती है उस एक ग्लास मिल्क से। मेकिंग इट सिंपल मीनिंग, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इंटेंशन एम, हमारे क्या इंटेंशन है, क्या एम है, क्या लक्ष्य है, डाइम 10 सेंट कॉइन, 10 सेंट कॉइन, कॉइन जो होता है वो 10, डेयर्ड हैविंग द करेज टू डू समथिंग, डेयर्ड मतलब होता है कुछ किया, कुछ करने के लिए किसी को करेज करना, डिसेज इलनेस, डिसेज मतलब इलनेस या बीमारी, स्पेशलिस्ट मतलब अ पर्सन हु कंसंट्रेट्स ऑन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड बिकम इट्स एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट उसे बोलते हैं जो एक कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉन्सेंट्रेट करता है और उसका स्पेशलिस्ट बन जाता है। कंसल्टेशन, मीटिंग विथ एन एक्सपर्ट फॉर गेटिंग एडवाइस, जो कंसल्टेशन है किसी चीज़ से कंसल्ट करना, तो किसी से एक मीटिंग करना और एक एक्सपर्ट फॉर गेटिंग एडवाइस, और किसी एक्सपर्ट से एक एडवाइस लेना, रिकवर, रिटर्न टू नॉर्मल स्टेज ऑफ हेल्थ, जब कोई चीज़ रिकवर तो हम लोग नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं, जो हेल्थ का नॉर्मल स्टेज होता है मतलब ठीक ठाक हो जाते हैं, स्ट्रगल मेक वंस वे विद द डिफिकल्टीज, स्ट्रगल वो होता है जिस तरीके से हम, जिस वे में हम लोग को किसी भी रास्ते में चलने में जो कठिनाई आती है, जो डिफिकल्टीज आती है, उसी को हम स्ट्रगल बोलते हैं। ट्रीटमेंट, मेडिकल केयर फॉर एन इलनेस, ट्रीटमेंट होता है किसी का, ट्रीटमेंट होता है इसका मतलब हमको मेडिकल केयर दिया जा रहा है, मेडिकली हमको मेरे कोई भी इलनेस या डिसीज जो भी हैं उसके लिए हमको एक स्पेशल केयर दिया जा रहा है, उसी को बोलते हैं मेडिकली केयर फॉर एन इलनेस। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, द यंग बॉय
who was selling goods from door to door was hungry or naughty? कैसा था वो जो door to जो goods selling कर रहा था वो कैसा था, hungry था कि naughty? वो कैसा था, hungry था। यहाँ पे हम लोग hungry पे टिक करेंगे और hungry, hungry पे टिक करेंगे और hungry यहाँ पे mention कर लेंगे। Hungry. Then next, the young woman brought the boy a large glass of water or milk. जो woman थी वो क्या लाई थी, glass पूरा glass भर के क्या लाई थी, water लाई थी कि milk? तो क्या लाई थी, milk लाई थी। तो यहाँ पे हम लोग milk feel कर लेंगे। Then the young woman said, mother taught us never टू एक्सेप्ट पे फॉर आवर हार्ड वर्क और काइंडनेस। हमको किसके लिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसकी मदर ने उसको किस चीज़ के लिए बोला था कि कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, काइंडनेस के लिए कि हार्ड वर्क के लिए? काइंडनेस के लिए। जब हम किसी पे दया करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, तो उसके लिए हमको कभी कोई एक्सेप्टेशन नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या फील करेंगे, काइंडनेस। नेक्स्ट, The woman was sent to the city where her disease could be studied by student or specialist. जब वो woman एक city में गई और उसका study, जो उसका disease था, जो उसकी बीमारी थी, वो किसके द्वारा study किया गया था, student के द्वारा कि specialist के द्वारा? वो specialist के द्वारा, जो भी किसी भी साइड के student क्या problem को study करेगा, कैसे स्टूडेंट प्रॉब्लम को स्टडी कर सकता है? कोई भी अगर उसको कोई भी बीमारी है तो कौन कोई स्पेशलिस्ट होगा, वही स्टडी करेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पेशलिस्ट को टिक करेंगे और यहाँ पे स्पेशलिस्ट लिख लेंगे। देन नेक्स्ट, व्हेन डॉक्टर केली एंटर द हॉस्पिटल रूम ही फॉरगॉट और रिकोगनाइज द वुमेन हु हैड द हेल्प हिम। जब डॉक्टर केली हॉस्पिटल के रूम में एंटर किया तो उसने उस वूमेन को क्या किया, फॉरगॉट भूल गया था या रिकोगनाइज पहचान लिया था? तो उसने क्या किया था, जैसे ही वो एंटर किया उस लेडी को उसने क्या किया, पहचान लिया था। फेलिया एंड आंसर इन वन वर्ड, हु व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड बिकम इट्स एक्सपर्ट। व्हाट डू यू कॉल, हम लोग उस पर्सन को क्या कहेंगे, हु कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉन्सेंट्रेट करता है एंड बिकम इट्स एक्सपर्ट, और जो उसका स्पेशलिस्ट बन जाता है, तो उसको क्या कह देंगे, उसका एक्सपर्ट बन जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्पेशलिस्ट। यहाँ पे स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विच एक्शन ऑफ द यंग वुमेन इंक्रीज द बॉयज फेथ इन गॉड। उस वुमेन ने कौन सा ऐसा फैथ इंक्रीज किया था, तो उस वुमेन ने कैसे क्या किया था उसके साथ, काइंडनेस दिखाई थी, दयालुता दिखाई। हु हेल्प द वुमेन इन रिकवरिंग फ्रॉम हर डिसेस, उसके वुमेन को डिसेस से रिकवर करने के लिए किसने हेल्प की थी, तो उस बॉय ने हेल्प की थी, या यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि किसने हेल्प की थी, तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हो डॉक्टर हावर्ड केली, यहां पे आप लिख सकते हो बॉय या डॉक्टर हावर्ड केली, मतलब उसके हेल्प में किसने मदद की थी, उस बॉय ने जिसको उसने मिल्क पिलाया था, बट इस समय वो क्या था, एज ए डॉक्टर था। तो स्टूडेंट, योर चैप्टर डन, थैंक यू क्लास।